अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 3 में आ गए हैं। सब सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है और हमारा यूनिट जो है फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। अच्छा बेटा, हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर एट अ ग्लांस। अच्छा बेटा, इस वीडियो में हम आगे क्या पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा रिव्यू दूंगी आप सबको। हमारा जो सिलेबस था उसमें फर्स्ट यूनिट के 2 लेसन्स थे, कंप्यूटर एट अ ग्लांस और उसके बाद कंप्यूटर इन यू, और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल अवेवा क्वेश्चन आंसर्स थे। प्रैक्टिकल अवेवा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक मैंने आपको सिलेबस में बताया था। अच्छा बेटा, जब चैप्टर कंप्यूटर एट अ ग्लांस में सबसे पहले हमारी प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर फिलर ब्लैंक्स है, बुक वर्क है, एक्सरसाइज 3 और 4 और एक्टिविटी है हमारे पास। अच्छा बेटा, अभी लास्ट वीडियो में हमने जो अपने पास पढ़ा था वो था, पहले 2 क्वेश्चन आंसर्स थे, उसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है ट्रू फॉल्स। ये आपको बुक में सॉल्व करनी है, बुक पेज नंबर 12 पे। डायरेक्ट बुक को खोलना है आपको इस वीडियो की मदद से और डायरेक्ट काम करना है। तो बेटा, हमारे पास पहली ट्रू एंड फॉल्स है, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। मेमोरी यूनिट होता है कंप्यूटर में, ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया था कंप्यूटर के ग्लांस में कि कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं अंदर। उसमें पीसी के 3 मेन सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। उसमें कंप्यूटर जो है सेव करता है, सीयू होता है, एमयू होता है, एएलयू होता है। तो कंप्यूटर स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, टू फॉल्स नंबर 2 है, प्रिंटर इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये बात फॉल्स है क्योंकि प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें पेपर के ऊपर आउटपुट देता है। उसके बाद नंबर 3 है, कंप्यूटर इज़ अ फास्ट मशीन, कंप्यूटर एक फ़ास्ट मशीन है, ये बात सही है क्योंकि कंप्यूटर काम बिल्कुल सही करता है और फास्ट फास्ट करता है और बहुत जल्दी जल्दी करता है, ये बात सही है बिल्कुल। फिर है कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक, क्या कंप्यूटर मिस्टेक्स करता है? कंप्यूटर जो है मिस्टेक्स नहीं करता है, तो ये बात फॉल्स है। उसके बाद 5 है, माउस इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, माउस कंप्यूटर का परमानेंट पार्ट है, ये बात फॉल्स है क्योंकि कंप्यूटर का टेम्परेरी प्राइमरी पार्ट है माउस, जिसका जो अगर नहीं भी होगा तो हम कीबोर्ड की मदद से आसानी अपना काम कर सकते हैं शॉर्टकट्स इस्तेमाल करके। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये ट्रू फॉल्स समझ आ गई होंगी। हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग को अपना बहुत ख्याल रखना है। कोई बात नहीं समझ आती है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझसे पूछिए। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।